बरेली में देर रात दो पक्षों में बवाल हो गया। किला थाने के स्वालेंगर में एक समुदाय पर धार्मिक टिप्पणी की गई और विवाद भड़क गया। विरोध करने पर टिप्पणी करने वाले युवकों ने फायरिंग कर दी। इसके बाद वे तमंचे लहराते हुए भाग निकले। फायरिंग में दो युवक छर्रे लगने से घायल हो गए। दो समुदायों का मामला होने की खबर पर 8 थानों की फोर्स स्वालेंगर पहुँच गई। पुलिस ने तनाव का माहौल देखते हुए लाठियां फटकार कर भीड़ को खदेड़ दिया। घायलों को जिला अस्पताल में किया गया है। वहीं किला थाने में 11 बवालियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। सोलानगर में थोड़ी देर पहले हमें सूचना मिली थी कि दो पक्षों में, एक पक्ष जिसमें हिंदू है, कुछ मुस्लिम है, दोनों में आपस में फायरिंग हो गई है किसी बात को लेकर। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, घटना को अटेंड किया गया तो पता चला कि किसी मामूली विवाद को लेकर आपस में दोनों में फायरिंग हुई, जिसमें कि जिसकी गोली लगी एक के पैर में, एक के हाथ में, दोनों आउट ऑफ डेंजर हैं। कोई ऐसी इसमें प्रॉब्लम है नहीं, माइल्ड इंजरी बताई जा रही है। और जो भी एक्यूज्ड हैं उनके खिलाफ जो भी कार्यवाही की जा रही है, टीम बना दी गई, उनके घर दबिश दी जा रही है, बाकी स्थितियाँ सामान्य। कौन लोग हैं मैडम ये, उन्होंने फायरिंग की? कुछ नाम प्रकाश में अभी आए हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। मतलब दो समुदाय के लोग बताए जा रहे हैं? हाँ, एक पक्ष हिंदू है, एक पक्ष मुस्लिम है। जो विक्टिम है वो पक्ष मुस्लिम है, और जिस जो एक्यूज बताए अभी जा रहे हैं, जिन्होंने गोली चलाई है, वो पक्ष हिंदू है।